नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ में पहुंचे। हालांकि अपने प्रोटोकॉल से थोड़ा सा बदलाव करते हुए वह आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क पर स्थित डॉक्टर कन्हैया सिंह की आवास पर भी पहुंचे। डॉक्टर कन्हैया सिंह साहित्यकार के साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दो दिन पूर्व ही डॉक्टर कन्हैया सिंह का निधन हुआ था। मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम में बदलाव कर परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सबसे पहले मंदिर स्थित हवाई अड्डे पर उतरा, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर बैठक की। इसके बाद 10 मार्च को प्रधानमंत्री के आगमन के कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डे के सामने जाकर निरीक्षण किया। वहां से हेलीकॉप्टर आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन पर उतरा। यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर कन्हैया सिंह के घर गए। वहां आकर फिर जहानागंज के आदमबाग स्थित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय निर्माण कार्य को भी देखने का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में बदलाव हो गया और जल्द ही विश्वविद्यालय के अधूरे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद लखनऊ रवाना हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आगमन के दौरान हवाई अड्डे के साथ ही विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।